हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह एक छोटी सी वीडियो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, यानी यह किस तरीके से किया जाता है। आप यह जान लें कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के दो टाइप्स और आते हैं, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। यानी जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वह दो तरीके से किया जाता है, या तो बोलकर या फिर लिखकर। अब इसकी मैं अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ, आप इससे पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। अब यह जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें ना तो हम कम्युनिकेशन बोलकर करते हैं और ना ही लिखकर। इसमें हम अलग अलग सिग्नल्स के थ्रू या इशारों से हम कम्युनिकेशन करते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन को समझते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ और मैसेज बाई नॉट यूजिंग ओरल और रिटन लैंग्वेज बट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब यह हुआ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी आइडियाज़ या मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, अर्थात दूसरे पर्सन को बताने के लिए, मौखिक या लिखित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ इशारों से ही बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, ना ही इसमें किसी को कुछ बोलकर मैसेज देते हैं ना ही लिखकर, बल्कि इसकी जगह हम फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो भी मैसेज सेंडर के द्वारा भेजे जाते हैं या फिर रिसीवर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, तो उसमें वर्ड्स का यानी शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता है। वह मैसेज ना तो स्पोकन होता है और ना ही रिटन। अब दोस्तों, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें या फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि बिना बोले या बिना लिखे हम किसी से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, तो इसके कई तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम सामने वाले की फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि वह कहना क्या चाह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। तो आइए एक एक करके उसके बारे में समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी से कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, पर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जाता है वह काफ़ी इफेक्टिव होता है। हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वह कम्युनिकेशन के दौरान बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेली लाइफ में भी हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों को अलग अलग मैसेज देते हैं कि किस तरह से हम बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, किसी से बात करते वक्त उसे हम कैसे देख रहे हैं। ये सब भी उस पर्सन को पॉजिटिव या नेगेटिव मैसेज देते हैं। यानी किसी को कुछ बताते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वह भी उस पर्सन को एक मैसेज देती है, उससे वह आपकी फीलिंग्स को समझ जाता है। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, वह क्या कह रहा है, किसी से गुस्सा है, खुश है या टेंशन में है, यह सारे एक्सप्रेशंस हमारे फेस पर ही दिखने लगते हैं। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह हम अपनी फीलिंग्स को अपने फेस के थ्रू सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं। किसी को देखकर अगर हम खुश हो रहे हैं तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन ही उस पर्सन को यह बता देगा कि हम उसे देखकर काफ़ी खुश हैं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह यह जो फेशियल एक्सप्रेशंस है यह भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। नेक्स्ट है पोस्चर्स। आप किसी पर्सन के सामने कैसे खड़े हैं, सीधे एकदम स्ट्रेट खड़े हैं तो इससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दिखता है, या फिर आप लूज होकर सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, या और भी अलग अलग पोस्चर्स के थ्रू आप यह एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। तो इस तरह आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वह आपके बॉडी पोस्चर्स के थ्रू शो होती हैं। नेक्स्ट है जेस्चर्स। अब जेस्चर्स वह है जिसमें आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं या फिर लेग्स का यूज़ करते हैं। कभी कभी आपके जेस्चर्स सामने वाले को बहुत कुछ बताते हैं। अब किसी की बात सुनते वक्त यानी सामने वाला पर्सन आपसे कुछ बता रहा है और आप हाथ बांध कर खड़े हैं या फिर पॉकेट में हाथ डाले हुए हैं, या इसके अलावा आप मुंह पर हाथ रखकर उसकी बात को सुन रहे हैं, तो इससे उस पर्सन को यह शो होगा कि आप उसकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। यानी यह जो जेस्चर्स आप शो कर रहे हैं वह नेगेटिव जेस्चर्स हैं।
इसके अलावा अपने लेग्स को या फीट को शेक करना या हिलाना, यह भी आपके नेगेटिव जेस्चर्स शो करता है। अगर आप आमने सामने बैठकर किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और आप अपने पैरों को ऐसे धीरे धीरे हिला रहे हैं, तो यह आपकी नर्वसनेस को शो करेगा कि वह पर्सन समझ जाएगा कि आप उससे बात करते वक्त काफ़ी नर्वस है। नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपके मूवमेंट ऑफ आईज एंड आईब्रोज दोनों शामिल होते हैं। कम्युनिकेशन के दौरान जो लोग आपसे आई कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं, वह आपकी बातों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, आपकी बातों को ध्यान से वह सुनते हैं, समझते हैं। इस आई कॉन्टैक्ट के थ्रू आप यह समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहा है, यानी वह क्या फील कर रहा है, या उसके बिना बताए आप समझ सकते हैं। एक पर्सन की थॉट प्रोसेस को आप उसकी आँखों के ज़रिए समझ सकते हैं। अगर कोई पर्सन कोई स्पीच दे रहा है और जो उसकी ऑडियंस है वह उसे सुन रही है, तो अगर उसमें से कुछ पर्सन उसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन किए रहते हैं, यानी सेंडर कहना क्या चाह रहा है, वह क्या कह रहा है, वह आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके वह उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे सेंडर को भी यह पता चलेगा कि वह जो पर्सन उससे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन किए हैं वह उसे ध्यान से सुन रहे हैं। अब उस ऑडियंस में कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इधर उधर देखेंगे, ना तो आई कॉन्टैक्ट बनाए रखेंगे ना उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इस तरह कम्युनिकेशन के दौरान जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, अपनी बात किसी को कुछ बताएं, या किसी की बात को अगर आप सुनते हैं, तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है टच। अब टच करने से मतलब यह है कि आप किसी पर्सन को टच करते हैं तो भी आप उसे मैसेज देते हैं या उसके मैसेज को आप समझते हैं। अब जैसे किसी पर्सन से हैंडशेक करते वक्त आप उस पर्सन के हाथ को टच करते हैं, तो यह भी शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से मिलने गए हैं और बात शुरू करने से पहले ही आप उस पर्सन से हाथ मिलाते हैं, और अगर वह पर्सन हाथ मिलाते वक्त अपने हाथ को लूज़ कर लेता है या उतने एनर्जी के साथ वह हैंडशेक नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि वह कॉन्फिडेंट नहीं है। हो सकता है वह आपसे मिलने में इंटरेस्टेड ना हो। इस तरह आप किसी पर्सन से हाथ मिलाते वक्त ही उसकी फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब पर हैं, ऑफिस में हैं, कोई काम कर रहे हैं और पीछे से आपका बॉस आकर आपके शोल्डर पर दो बार ऐसे थपथपाता है, अपने हाथ से थपथपाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि इतना टच होने से ही आप समझ जाएंगे कि आप काम को अच्छे से कर रहे हैं और वह आपको शाबाशी देकर गया है। तो यह जो कम्युनिकेशन है यह बिना बोले ही किया जा रहा है। उस बॉस ने आपसे कुछ कहा नहीं है, बस उसके इशारे से ही, उसके टच करने से ही आप समझ गए हैं। तो यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा कोई सिंबल या साइन है तो वह भी बिना बोले आपसे बहुत कुछ बताते हैं। अब जैसे ट्रैफिक सिग्नल अगर रेड है तो यह देखकर आप खुद ही समझ जाते हैं कि आपको रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरह दोस्तों, बिना बोले या बिना लिखे जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं या जो भी मैसेज हम समझ जाते हैं, तो वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।